हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लवबर्ड्स के, जो अफ्रीकन लवबर्ड्स होती है उसके केयर, उसके बाद उसकी पेयरिंग और ब्रीडिंग के बारे में गाइस, क्योंकि अभी जो है लवबर्ड्स की ब्रीडिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो में जो है आप एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है सारी वो डिटेल्स और बारीकी शेयर करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और कहीं ना कहीं छोटी सी चूक से जो आपका पूरा जो है क्लच बेकार हो जाता है। तो आप वीडियो का एंड तक देखिए। गाइस, बात करते हैं अफ्रीकन लवबर्ड्स की। तो अफ्रीकन लवबर्ड्स की जो है 9 स्पीशीज या 9 प्रजातियां होती है, जिसमें से जनरली तीन प्रजाति मतलब इनकी जो स्पीशीज उसको लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके लोगों के बीच में जो है हॉबिस्ट के बीच में वो काफी चर्चित में है। जैसे पहली जो कैटेगरी है गाइस वो है फिशर की, दूसरी जो है जो ब्लैक मास्क जो कहलाती है वो है, और तीसरी जो है रोजी ग्रुप की। ये 3 जो है ग्रुप्स के जो लवबर्ड्स है जनरली हॉबिस्ट अपने पास रखते हैं या एग्जॉटिक जो पेट लवर्स वो रखते हैं। लेकिन ब्रॉडली देखा जाए या सिंपल तरीके से देखा जाएगा इस, तो लवबर्ड्स जो अफ्रीकन लवबर्ड्स है उसको जो हम लोग हैं दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहली है वो रिंग्ड और दूसरी नॉन रिंग। रिंग जिनके आंखों के पास जो है गोल सर्कल बना रहता है वो रिंग ग्रुप की है, और जो नॉन रिंग ग्रुप की बर्ड्स गाइस। और कभी भी गाइस ध्यान रखिएगा कि रिंग और नॉन ग्रुप बर्ड्स की जो है ब्रीडिंग कभी मत कराइएगा, वरना जो बच्चे पैदा होंगे वो म्यूल होंगे और वो आगे चल के ना ब्रीड कर पाएंगे ना अपनी जनरेशन को बढ़ा पाएंगे। सो इनका जो है क्रॉसिंग या इनसे मेटिंग कराना, ब्रीडिंग कराना कोई मतलब नहीं रहता है गाइस। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो है जो अफ्रीकन लवबर्ड होती है इसकी लाइफ स्पैन के बारे में। तो गाइस, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10 से 15 साल होती है, और जो ये जब ब्रीडिंग करते हैं तो इनके क्लच साइज गाइस ये जनरली 4 से 6 अंडे एक बार में देते हैं। और बात की जाए जब लवबर्ड को एडल्ट होने में गाइस, लवबर्ड एडल्ट होने में कम से कम जो है 1 साल लग जाता है। और ब्रीडिंग की अगर बात की जाए गाइस कि लवबर्ड जो है परफेक्ट एज क्या होता है इसकी ब्रीडिंग की गाइस, तो लवबर्ड की ब्रीडिंग के लिए जो परफेक्ट एज है वो कम से कम 15 to 18 months का जो आपका बर्ड हो, तभी आपको अपने बर्ड की जो है ब्रीडिंग करानी चाहिए गाइस। कुछ लोग पहले भी करा लेते हैं गाइस, लेकिन जब भी अगर आप बर्ड को जो है एज से पहले अगर आप ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीड तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका क्लच जो पूरा का पूरा क्लच बेकार हो जाए, पूरे अंडे इनफर्टाइल या एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई ना उसमें कोई पेयर में से जो है मेल या फीमेल कोई एक्सपायर हो सकता है। तो ऐसी दिक्कतें आती है गाइस कि अगर आप जो है अर्ली ब्रीडिंग अपने जो है बर्ड से आपके लव बर्ड्स जो रखे हैं उसको अगर अर्ली ब्रीडिंग कराते हैं तो ये सब दिक्कतें आ सकती है। अब बात की जाएगा इसकी जो ब्रीडिंग के लिए जो केज आप यूज करते हैं तो उसके क्या डायमेंशन होने चाहिए। तो गाइस देखा जाए तो 2.5 by 1.5 by 1.5 का जो केज होता है वो इनके लिए परफेक्ट है, और अगर आपके पास 2 by 2 by 2 का भी है तो भी ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको बॉक्स ब्रीडिंग बॉक्स बाहर लगानी पड़ेगा। और ब्रीडिंग बॉक्स की बात की जाएगा इस तो लवबर्ड के लिए कम से कम 1 by 1 by 1 मतलब 1 feet by 1 feet by 1 feet का केज जो ब्रीडिंग बॉक्स है इनके लिए परफेक्ट है, और उसमें 3 inch का जो है होल। और गाइस लवबर्ड जो है एक अफ्रीकन लवबर्ड ऐसी बर्ड है जिसको ब्रीडिंग के लिए जो है ब्रीडिंग मटेरियल की जरूरत होती है। तो जब भी आपकी बर्ड जो है ब्रीडिंग पर आ गई है तो आप उसको ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के साथ साथ आप उसको ब्रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो है वो अपना जो है अपने उस जो ब्रीडिंग बॉक्स है उसमें बनाकर जो है अपने अंडे देने के लिए गाइस। अब बात करते हैं गाइस जो लवबर्ड होती है उसके नेचर क्या होता है। तो लवबर्ड्स जो होते हैं गाइस इनका नेचर बहुत ही जो है एक्टिव होता है, और ये प्लेफुल बर्ड्स है और बहुत ही क्यूरियस रहती है नई चीजें देखने को सीखने के लिए। उसमें अपने केज में जो जो केज में अगर इनके रखते हैं तो हर चीज के साथ वो इंटरेक्ट करती है। बट गाइस इसके साथ ही जो अफ्रीकन लवबर्ड्स होती है ये टेरिटोरियल नेचर होता है इनका, मतलब जो है ये जिस एरिया में रहती है उसमें अपने आप को जो है वो अपना एरिया जो है मार्क कर लेती है कि हाँ ये क्षेत्र मेरा है, मतलब इतना मेरा एरिया है। तो इसको लेकर वो काफी पर्टिकुलर रहती है, और कई बार जो है गाइस वो एग्रेसिव भी हो जाती है इसी के चलते। अब बात करते हैं दोस्तों कि लवबर्ड्स की जो इनकी पेयरिंग कैसे कराई जाएगी। तो गाइस पेयरिंग कराने के भी कई तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका होता है गाइस वो है कि अगर आपने एडल्ट बर्ड्स लिए हैं तो अपने एडल्ट बर्ड्स को जो है आपने कॉलोनी में छोड़ दिया। कॉलोनी में गाइस होता क्या है, कॉलोनी में बर्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जो इनकी बॉन्डिंग बन जाती है और वो पेयर बन जाता है। लेकिन गाइस इसमें दिक्कत ये होती है कि 90% तो पेयरिंग अच्छी बन जाती है, लेकिन जो 5 से 10% बच जाते हैं इसमें होता क्या है, इसकी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी मेल मेल का पेयर बन जाता है या फीमेल फीमेल का पेयर बन जाता है। तो मेल फीमेल का पेयर बन गया तो ठीक है, उसके अंडे बच्चे निकलते हैं, वेल एंड गुड। बट अगर मेल मेल का बन गया और फीमेल फीमेल का, तो गाइस इससे जो है आपका पूरा क्लच बेकार ही होता है, उसका कोई यूज होता नहीं है।
और दूसरा तरीका है गाइस कि अगर आप जो है मनचाहा जो मतलब अपने हिसाब से पेयरिंग कराना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है गाइस कि आप जो भी बर्ड की जो है पेयर बनाना चाहते हैं, वो दोनों बर्ड को जो सेपरेट केज में रख के केज जो है बगल बगल में रख दिया करिए। उसके बाद कम से कम हफ्ता दिन तक जो है उनको बगल में रखे रहिए, देखेंगे आप खुद देखेंगे 1 वीक के अंदर जो है दोनों में इंट्रैक्शन और बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब देखेंगे कि इनमें इंट्रैक्शन हो रहा है, तो 1 हफ्ते बाद गाइस इन दोनों बर्ड को जो मेल और फीमेल आपने सेलेक्ट किया है, इनको उठा के थर्ड केज में जो ब्रीडिंग केज है उसमें डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद आप देखेंगे इसकी खुद हफ्ता दिन के अंदर ही इन दोनों में जो है बॉन्डिंग अच्छी खासी बन जाएगी, दाना अदली बदली सब स्टार्ट कर देंगे। जब ये सब स्टार्ट कर देंगे, मेटिंग स्टार्ट कर देंगे, तब आप इनको बॉक्स दे सकते हैं गाइस। और गाइस हमेशा जो है जब भी जो है आप पेड़ लगाते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, या तो कन्फर्म पेड़ हो तभी उसको अंदर कीजिए, नहीं अगर आपके आपको नहीं पता कि ये कन्फर्म है तो आप इनका DNA भी करा सकते हैं, वरना और भी कई तरीके हैं, जैसे इनकी पेल्विस बोन हो गई या हेड साइज देखकर भी कई लोग जो है बता देते हैं कि मेल है फीमेल है। बट सबसे जेन्यून तरीका है गाइस कि इनका DNA अगर आपके महंगे म्यूटेशन से महंगे बर्ड से और आप इन पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो पेयरिंग लगाने से पहले मैं तो यही एडवाइस दूंगा गाइस कि आप इनका DNA करा लें, DNA करा कर इनकी पेयरिंग की करिए गाइस। बात करते हैं गाइस कि कितने दिनों में अगर आपने आपकी लव बर्ड मेटिंग कर रही है तो कितने दिनों में, तो गाइस मेटिंग के जो है 10 दिन बाद जो है लव बर्ड आपको जो पहला अंडा जो है दे देगी, और उसके बाद जो है ये 4 से 6 अंडे देगी, और इनका जो ब्रूडिंग टाइम या जो हैच करने का समय लगता है गाइस वो कम से 21 से 26 दिन लग जाते हैं। 21 से 26 दिन में है गाइस कि आपको जो उसमें अंडे दिखने जो अंडों से चिक्स बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अंडे जब आपकी लव बर्ड पूरे अंडे दे देती है गाइस, तो 10 दिन के बाद आप जो है एग्स को चेक कर सकते हैं। एग्स चेक करने का भी तरीका बहुत ही आसान होता है गाइस, एग को एक बार 10 दिन बाद जो है, इसको बीच में मत आप डिस्टर्ब करिए, 10 दिन बाद एक बार आप जो है जब एग ने अपने पूरे जो आपकी जो लव बर्ड है उसने पूरे अंडे ले करने के बाद 10 दिन के बाद आप एग्स को जो है किसी भी फ्लैश लाइट के नीचे या अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट में चेक कर सकते हैं। अगर वो फर्टाइल है तो उसको अपनी जगह पर रख दे, अगर वो फर्टाइल नहीं है तो आप उसको निकाल कर जो है फेंक दीजिए। और गाइस बीच बीच में जब भी जो है आपको समय मिले, आपको थोड़ा बहुत जो है आपकी लव बर्ड जब हैचिंग कर रही हो तो उनके नेस्ट में जो ध्यान रखते हैं कि अंडे खराब हो गए या अगर बच्चे मर गए हैं तो उनको भी निकाल के साफ करते रहना है। होप गाइस जो मैंने आपको जानकारी दी हो अच्छी लगी हो और आपके आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।